सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपके भी सैमसंग गैलेक्सी A51 में बैटरी ड्रेनिंग इशू आती है तो इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, 5 कमाल के ट्रिक्स बताऊँगा। प्रो ट्रिक्स हैं, सब एकदम मतलब हाई लेवल वाले ट्रिक्स हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग इशू नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला ट्रिक ये है गाइस, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है और यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा देखने को मिलता है, हॉटस्पॉट और बहुत सारे मतलब ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको देखना है कि आपका मतलब वाईफाई, मोबाइल डाटा, लोकेशन, ये सब मतलब ऑप्शन ऑन नहीं रहने चाहिए। अगर ये सब ऑप्शन आपके हमेशा ऑन रहते हैं तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं और मोबाइल डाटा बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो आपको जब मोबाइल डाटा का यूज़ आप कर लें तो मोबाइल डाटा को आपको ऑफ कर देना है। और हॉटस्पॉट, वाईफाई, लोकेशन, ये सब भी बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। ये हमारी पहली ट्रिक थी गाइस। दूसरी ट्रिक बताने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम हम 100 लाइक एम रख रहे हैं, जल्दी इसको पूरा कर दीजिएगा। तो दूसरा ट्रिक ये है गाइस, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन का सिम कार्ड कौन सा है। अगर आपका फ़ोन का सिम कार्ड जो भी है, अगर आपके फ़ोन में अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी की इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पाती है तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, आप जब फ़ोन को यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल डाटा मतलब इंटरनेट स्पीड जो होती है अगर स्लो चलती है तो आपका मतलब टावर से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है, CPU आपका बहुत तेज़ मतलब प्रोसेस करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई दूसरा सिम है जो कि अच्छी मतलब अच्छा इंटरनेट स्पीड देता है, उसको आपको यूज़ करना है। उससे क्या होगा, आपका फ़ोन का अच्छी क्वालिटी के इंटरनेट स्पीड भी मिल जाएगी और आपके फ़ोन में जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है वो भी नहीं आएगी। ये GPS नहीं, आपका फ़ोन का जो इंटरनेट स्पीड होता है वो, अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं रहता पर आप उसको चालू कर बफरिंग वाला काम करते रहते, जैसे यूट्यूब पर अगर वो नाचता रहेगा, बफरिंग करता रहेगा, तो ये सब मतलब अपने टावर से मतलब अपने टावर से एक सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में रहता है, इससे आपका बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू होता है। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है। तीसरा ट्रिक यह है गाइस, आपको हमेशा देखना है, आपको होम स्क्रीन पे चले जाना है। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है और आपका ऑटो ब्राइटनेस जो रहता है उसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका मतलब जब ज़रूरत नहीं रहता है तब पर भी आपका ऑटो ब्राइटनेस ऑन रहता है, तो इससे आप मतलब बार बार कम धीरे होता रहता है ना, तो ऐसे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता रहा है। आप अपने फ़ोन को जितना शांत रखने की कोशिश करेंगे उतना आप कम बैटरी मतलब देखने को मिलेगा। तो आपके फ़ोन की ब्राइटनेस को आप एडजस्ट करना मतलब सीखें, आप मतलब अपने फ़ोन के ब्राइटनेस को आप हमेशा एडजस्ट किया कीजिए, ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल भी ना करें। और जो आपका फ़ोन का ब्राइटनेस जो हाई कंजप्शन वाला आ जाता है, हाई कर देते हैं एकदम, वो भी आपको नहीं करना है। आपको हमेशा एडजस्ट करके कम से कम करना है, आपको जितना ज़रूरत होता है उतना यूज करा करें। नेक्स्ट ये है गाइस, जब भी आपके फ़ोन को अपने फ़ोन को चार्ज लगाना है, उस चार्जिंग लगाते समय अपने फ़ोन के सारे रिसेंट बार के एप्लीकेशन को रिमूव कर देना है। जैसे अपने रिसेंट बार के सारे एप्लीकेशन को हटाकर तब फ़ोन को चार्ज लगाना है। इससे क्या होगा, आपके जब चार्ज लगाएंगे या फ़ोन को अपने पास रखेंगे तो आपके फ़ोन में कोई प्रोसेस नहीं होता रहेगा, जिससे आपकी बैटरी ड्रेनिंग इशू नहीं आएगी। ये सब जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, और सब मैं ट्रिक्स जो आपको बता रहा हूँ वो सैमसंग में मैंने मतलब फीडबैक भेजा था, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई मिला कि आप ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट ट्रिक ये है, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको चेक कर लेना आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं। आपको अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आया है तो आप फ़ोन को अपडेट कर लिया कीजिए, इससे आपके मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं फ़ोन में वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो यही वीडियो था। इस वीडियो को पूरा अगर ट्रिक जो यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल फ़ोन है जिसपे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपके फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट करोगे, अगर कमेंट आता है तो मैं वीडियो को मतलब उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय।